दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। केजरीवाल ने 10 जुलाई को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा था, मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है, मैं विच हंट का शिकार हुआ हूँ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का भी केस चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।